तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका वो कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेक्स अ यू टर्न एट नामचा बारवा एंड एंटर्स इंडिया। इनमें से कौन सा रिवर जो है वो नामचा बारवा नाम की एक जगह पर एक यू टर्न लेता है और हिंदुस्तान में या इंडिया में एंटर करता है। और आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, गंगा, तीस्ता, बराक और ब्रह्मपुत्र। अब ये क्वेश्चन जिस किसी ने भी एनसीईआरटी की 8 क्लास की किताब में रिवर्स वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें इंडियन रिवर्स के बारे में बताया गया है, अगर वो चैप्टर पढ़ा है जिसमें रिवर्स वगैरह के बारे में बताया है, या फिर 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका जवाब पता होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लियर कट ये लाइन लिखी हुई है कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो नामचा बारवा पर एक यू टर्न लेती है और उसके बाद में वो इंडिया में एंटर होती है। बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से दिया है कि तिब्बत वगैरह से वो चलती हुई आती है एंड फिर बीच में उसके कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात की गई है, देन फिर नामचा बारवा पे वो एक यू टर्न लेती है कुछ इस तरीके से। जैसे अगर वो नामचा बारवा जगह कुछ इस यहाँ पर है और ये इस तरह से आ रही है और वो यूं फ्लो होकर फिर हिंदुस्तान में एंटर करती है। तो ये आपका एनसीईआरटी की 8 क्लास और 11th क्लास की किताब में इसका जिक्र है, तो इसका जो आंसर है वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर लेट से आपको इसका जवाब ऐसे नहीं पता है, अगर आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं और आपको इसका जवाब ऐसे नहीं पता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक इंटेलेक्चुअल गेस की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा जो रिवर है वो यू टर्न लेता है नामचा बारवा पर और इंडिया में एंटर करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिवर कहीं बाहर से आ रहा है और उसके बाद इंडिया में एंटर करता है। गंगा इंडिया में ओरिजिनेट होती है। तीस्ता रिवर के बारे में अगर आपको पता हो, बंगाल गवर्नमेंट का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है बांग्लादेश के साथ में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, तो तीस्ता रिवर का से रिलेटेड वो डिस्प्यूट है उसमें, इसके न्यूज़ में कई बार जिक्र में आता रहता है। इसके बारे में है कि ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। बैराक रिवर जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करती है, नागालैंड एंड आपका मणिपुर वगैरह में। तो ये तीनों रिवर्स वगैरह जो हैं ये इंडियन ओरिजिन की हैं, ये इंडिया में कहीं बाहर से एंटर नहीं करती हैं, मगर ब्रह्मपुत्र जो है फिर एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है, क्योंकि ये रिवर जो है वो बाहर से आता है। तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है एक इंटेलेक्चुअल गेस की मदद से, कि गंगा, तीस्ता और बैराक जो हैं वो क्योंकि इंडियन रिवर्स हैं वो इंडिया में ही हैं, ओरिजिनेट ही इंडिया में होती हैं, तो इंडिया में एंटर करने का सवाल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। मगर बेटर यही है कि आप एनसीईआरटीज वगैरह को पढ़ें, एनसीईआरटी के उन चैप्टर्स में जिसमें इंडियन रिवर्स के बारे में बताया गया है, खासतौर पर 8th क्लास में और 11th क्लास में डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं इस चीज़ के लिए जिसमें इंडियन रिवर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन की जो ये लाइन है कि ये एक यू टर्न लेती है नामचा बारवा पर और उसके बाद में इंडिया में एंटर करती है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है वहाँ से, जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया। सो इन दिस मैनर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें है कि द कुंतकत्ती टेनर वॉज प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर ये कुंतकत्ती टेनर जो है ये हिंदुस्तान के इन चार में से कौन से रीजन में प्रिवेलेंट था। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, बुंदेलखंड, कर्नाटका, छोटा नागपुर एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ये बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको वो फैक्ट पता है या फिर आपको वो फैक्ट नहीं पता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपने ये वर्ड अगर अभी तक पहली बार सुना है, तो गेस करने का या फिर एक तुक्का मारने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, बेटर है ऑप्शन मैं आपको यही दूंगा कि आप जहां तक हो सके इसको स्किप करें तो बेटर रहेगा। अब आते हैं कुंतकत्ती टेनर के ऊपर। बेसिकली कुंतकत्ती टेनर के बारे में ओल्ड एनसीईआरटीज में बताया गया है, ये एक्चुअल में छोटा नागपुर में एक ट्राइब है जिसका नाम है मुंडास। मुंडास जो ट्राइब है उनका मानना यह है कि जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस पर्टिकुलर लैंड पे वो रहते हैं, पूरी की पूरी मुंडा ट्राइब जो है उस लैंड की कलेक्टिव ओनर है, और कोई एक व्यक्ति जो है ट्राइब में से वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो इस पर्टिकुलर जमीन का मालिक है या जमीन के किसी एक हिस्से का मालिक है। तो जब ब्रिटिशर्स वगैरह इस पर्टिकुलर एरिया में आए और उनका इनके साथ में कन्फ्लिक्ट वगैरह हुए, तो ब्रिटिशर्स क्योंकि ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे मुंडास की, और उन्होंने बोला कि आप हमारे बिहाफ पर इस ज़मीन को होल्ड करिए मगर आप इसके मालिक नहीं कहलाएंगे। उस वक्त ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन निकल कर आया था कि हमारी जो ट्राइब है मुंडास ट्राइब, उनका मानना यह है
कि कोई एक व्यक्ति जो है ट्राइब का, उसका जमीन पे कोई खास मतलब अधिकार नहीं है, पूरी की पूरी जो ट्राइब है वो जमीन की मालिक है। और ये जो प्रथा है ये बड़ी एज ओल्ड प्रथा है और इसको कुंतकत्ती टेनर कहा जाता है। तो ये प्रथा बेसिकली मुंडास वगैरह में प्रिवेलेंट है, और मुंडास जो ट्राइब है वो ट्राइब आपको छोटा नागपुर वगैरह के एरिया में देखने के लिए मिलती है। और ये आपको ओल्ड एनसीईआरटीज वगैरह में इसका डिस्क्रिप्शन आता है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर फिर बाद में एक रेबिलियन वगैरह हुआ था वहाँ पे मुंडास के बीच में, ब्रिटिशर्स वगैरह के बीच में। सो द राइट आंसर इज छोटा नागपुर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें है कि चंडीमंगला वॉज कम्पोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ड्यूरिंग 16th सेंचुरी कॉमन एरा, संस्कृत, तमिल, बंगाली और उड़िया। चंडीमंगला नाम का कोई एक कंपाइलेशन है, इसको कंपोज किया गया था इनमें से कौन सी लैंग्वेज में ड्यूरिंग 16th सेंचुरी कॉमन एरा, ये सवाल हमसे पूछा गया है कि 16वीं शताब्दी के दरमियान चंडीमंगला नाम का एक जो कंपाइलेशन है, जो एक बुक है, इसको इन चार में से कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो एनसीईआरटी के उन पब्लिकेशंस वगैरह की किताबों में मिल जाएगा, जो आपका मेडिवियल टाइम पीरियड में जो भी कंपाइलेशंस हुए हैं, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जो कंपाइलेशंस वगैरह हुए हैं उससे रिलेटेड डील करता है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती हैं, मगर हाँ इससे रिलेटेड किताबें एनसीईआरटी पब्लिश करता है, आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। भक्ति मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड जो डिटेल में उनके वॉल्यूम्स वगैरह हैं उसमें उन्होंने इस चंडीमंगला का जिक्र किया है। चंडीमंगला बेसिकली मंगल काव्य करके एक बड़े कंपाइलेशन का पार्ट है, जिसको 13 से 18 सेंचुरी के बीच में बंगाली में कंपाइल किया गया था। मंगल काव्य करके एक पूरा कलेक्शन है हिंदू आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट वर्क्स हैं, जो 13 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में बंगाली लैंग्वेज में हुए थे, चंडीमंगला उसका एक पार्ट है। और इसके बारे में आपको एनसीईआरटी की भक्ति मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट मिडिवल टाइम्स में जो भी मतलब आपके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क वगैरह किए गए हैं उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो पब्लिकेशंस वगैरह आते हैं, जो किताबें हैं, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर जो है वो बंगाली हो जाता है, कि चंडीमंगला जो है वो 16th सेंचुरी में बंगाली लैंग्वेज में कंपोज की गई थी। अब एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि हमने कभी चंडीमंगला का नाम नहीं सुना और 16th सेंचुरी वगैरह में है, और अब हमको एक इंटेलेक्चुअल गैस अगर यहाँ पे लगाना है तो फिर वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। भक्ति मूवमेंट की से रिलेटेड वो किताबें जिनके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था एनसीईआरटी की, जो सिलेबस में तो नहीं चलती हैं मगर उनके कंपाइलेशंस आपको मिल जाते हैं, वो अगर आपने नहीं पढ़ी हैं मगर फिर भी अगर आपने भक्ति मूवमेंट 7th क्लास का भी पढ़ा है तो आपको इतना तो आइडिया मतलब हो ही जाएगा कि शक्ति पूजा जो है, शक्ति पूजा बेसिकली दो जगहों पे प्रिवेलेंट थी, ईस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में भी प्रीडोमिनेंटली बंगाल, और दूसरा जहां पे शक्ति पूजा होती थी वो जगह है आपके कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स। ये इतना आपको भक्ति मूवमेंट वगैरह अगर आप एनसीईआरटी की जो किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाई जाती हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि शक्ति पूजा जो है वो आपको ईस्टर्न पार्ट में बंगाल वगैरह में देखने के लिए मिलती है और कर्नाटक के कोस्टल रीजन्स में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। अब अगर हम इन चार ऑप्शंस को देखें और हम लोग इस वर्ड को फिर से देखें, चंडीमंगला, चंडीमंगला बेसिकली ये काली देवी के बारे में बात कर रहा है। काली देवी का मतलब शक्ति पूजा से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक इंटेलेक्चुअल गैस अगर आप लगाएं तो इस तरीके से लगाया जा सकता है कि काली ये चंडीमंगला के बारे में बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज जाके आपका शक्ति पूजा के साथ में प्रीडोमिनेंट जाके ये मिलता है। शक्ति पूजा दो जगहों पे प्रीडोमिनेंटली मनाई जाती थी, ईस्टर्न इंडिया बंगाल और कर्नाटक का रीजन कोस्टल रीजन। अब अगर हम इन दोनों रीजन्स के लैंग्वेजेस के बारे में देखें तो एक की लैंग्वेज हो गई बंगाली और एक की लैंग्वेज हो गई आपकी कन्नड़। अब यहाँ पे चारों में क्योंकि कन्नड़ ऑप्शन नहीं है तो हम एक रिस्क ले सकते हैं और बंगाली को टिक कर सकते हैं, मगर इस तरीके का इंटेलेक्चुअल गैस फिर तब करना ठीक रहेगा बिना किसी आइडिया के, सिर्फ एक लॉजिक के बेसिस पे आप वर्ड को पढ़ के इस तरीके का अगर आप इंटेलेक्चुअल गैस लगा रहे हो तो वो तब सही रहेगा जब पेपर आपके हिसाब से ना जा रहा हो, बहुत कम क्वेश्चन अगर आपने टिक किए हो तो उस केस में फिर ये इंटेलेक्चुअल रिस्क बनता है। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं पेपर के साथ में देन इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें हमको पूछा गया है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेक्स एंड पीपल
प्लेग्स एंड पीपल नाम की इस किताब का ऑथर इन चार में से कौन है? विलियम एच मैकनील, डब्ल्यू आई थॉमस, रेचल कार्सन या फिर डेविड कैनेडाइन। इन चार में से ये बुक किसने लिखी है? बेसिकली प्लेग्स एंड पीपल जो किताब है ये 1970s में लिखी गई थी और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क माना जाता है। ये बुक स्टडी करती है अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर महामारी बनता है तो फिर उसका किसी कल्चर के ऊपर क्या असर पड़ता है। कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गया और अगर वो प्लेग बन जाता है, महामारी बन जाता है, तो उसके कारण किसी एक सोसाइटी के और उसके कल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को ये डिटेल में स्टडी करता है या डिटेल में डिस्कस करता है। 70s के दरमियान इस किताब को लिखा गया था। अब क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आपका एक बीमारी जो फैल रही है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मौत हो रही है, गोरखपुर वगैरह में एनसेलोफाइटिस जिसको कह रहे हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे हैं, कुछ वक्त से जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे न्यूज़पेपर में, तो उसमें कई बार इस किताब का जिक्र आया था, प्लेग्स एंड पीपल इस नाम की इस किताब का जिक्र आया था और इसके राइटर का भी जिक्र आया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन करंट इवेंट से पूछा गया, जो व्यक्ति द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के आर्टिकल्स इंसेफेलिटिस के ऊपर अगर लगातार पढ़ता आ रहा है और उन सारी महामारियों के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर वो टच में है, गोरखपुर में खासतौर पे जो इश्यूज वगैरह हुए थे, बहुत ज़्यादा बच्चों की जो मौत हुई थी, अगर उस पर्टिकुलर न्यूज़ को फॉलो कर रहा है तो उसको जवाब पता होगा कि इस किताब को विलियम एच मैकनील ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे कितनी किताबें रटोगे और उनके राइटर्स का नाम रटोगे, ये वो बात नहीं है। इस पर्टिकुलर किताब का करंट इवेंट्स में कई बार बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा था न्यूज़ में और इसके राइटर का भी कई बार नाम आ रहा था, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जिसने न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो किए हैं उसको इसका जवाब पता होगा कि ये विलियम एच मैकनील के द्वारा लिखी गई किताब है। इट्स कंसिडर्ड एन एक्सेलेंट वर्क, जो एक पर्टिकुलर बीमारी जो एक छोटे लेवल से शुरू होती है, इन्फेक्शियस है, एक बड़े तौर पर एक प्लेग या फिर एक महामारी का रूप लेती है और उसके कारण उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जिसमें ये फैल रही है उस पर क्या असर पड़ता है और आने वाले वक्त में फिर उसके कल्चर्स पे इसका क्या असर पड़ता है, वो कल्चर्स इससे क्या अडॉप्ट करते हैं क्या नहीं अडॉप्ट करते, उन सब के बारे में डिटेल में इस किताब में बताया गया है। इट्स एन एक्सेलेंट बुक एंड वन शुड रीड इट इफ वन इज हैविंग सम टाइम टू स्पेयर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं मेक इन इंडिया के रिस्पेक्ट में सही हैं, हमको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट इट वाज लॉन्च्ड इन 2008, ये 2018 में लॉन्च हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर इनोवेशन, यानी कि इसको इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो मेक इन इंडिया के रिस्पेक्ट में ये दो स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं और हमको करेक्ट आंसर बताना है कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, दोनों पहले और दूसरे सही है, या ना पहला सही है ना दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप तब दे सकते हैं जब आपको मेक इन इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो। अब अगर मेक इन इंडिया के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत आप जानकारी रखते हैं, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटेन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। मगर अगर बिल्कुल ही नहीं पता है तो फिर बेटर है कि इसको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप कोई इंटेलेक्चुअल गेस नहीं लगा पाएंगे अगर आपको मेक इन इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है। तो पहले स्टेटमेंट पर अब हम लोग आते हैं दैट मेक इन इंडिया वॉज लॉन्च इन 2018, ये गलत है। मेक इन इंडिया 2014 के एंड में शुरू हुआ था, ना कि 2018 में। एंड सेकेंड है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फॉस्टर इनोवेशन, ये भी गलत है। इसका ऑब्जेक्टिव है जॉब्स का क्रिएशन और दूसरा हमारी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से डायरेक्ट सर्विस इकोनॉमी की तरफ गई है। बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस आना है वो उतना अच्छे से हो नहीं पाया है, जिसके कारण कभी भी अगर रिसेशंस वगैरह आना शुरू होते हैं, कभी भी अगर थोड़ी सी मंदी आने लगती है तो हमारी इकोनॉमी डावाडोल हो जाती है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है। तो दो ऑब्जेक्टिव्स खास तौर पे मेक इन इंडिया के निकल कर आते हैं, पहला जॉब क्रिएशन और दूसरा इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर एस्टैब्लिश करना। इनोवेशन फॉस्टर करना ये ऑब्जेक्टिव है हमारा स्किल इंडिया का, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया वगैरह में आपको इनोवेशन वगैरह पे जोर दिया गया है, ना कि मेक इन इंडिया में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इस हिसाब से हम चलें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन चारों में से कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? येट अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इधर यू नो द क्वेश्चन और यू डोंट नो द क्वेश्चन, कि आपको इसका जवाब या तो पता है या फिर आपको इसका जवाब नहीं पता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह की अगर बात की जाए तो एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट के पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो है मगर लेजिस्लेटिव
काउंसिल नहीं है। इसके अलावा कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आप देश के जितने स्टेट्स हैं आप सबकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो कोई याद नहीं कर सकता, वैलिड पॉइंट है, मगर बात यह है कि जो प्रैक्टिस है कि स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होनी चाहिए, ये जनरली फॉलो नहीं होती है। जनरली स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जनरली बहुत कम स्टेट्स में है। तो अगर आप उन कम स्टेट्स के बारे में ध्यान रखें कि जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, तो फिर ये क्वेश्चन करना कुछ खास मुश्किल नहीं है। दो बातें, पहला तो ये कि अपने को ये ध्यान रहना चाहिए कि कौन से स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, क्योंकि बहुत कम स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जनरली बाइकैमरल लेजिस्लेचर बहुत ज़्यादा स्टेट्स में फॉलो नहीं होता है। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में जो मैक्सिमम स्टेट्स वगैरह हमें दिए गए हैं उसमें से किसी में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे जवाब आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो भी फैक्चुअली आपको पता होगा कि इन तीनों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, और अगर ऐसे नहीं तो फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, उसके बेसिस पर भी आप कह सकते हैं कि आंसर अरुणाचल प्रदेश है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। इसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और ये पेपर हुआ है 8 सितंबर को, 4 या 5 आपकी अगस्त को जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उसको डिसॉल्व करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो टेक्निकली यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑप्शन देना ही गलत है, तो इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंज किया जा सकता है, टेक्निकली क्वेश्चन गलत है, बट फिर भी इसका आंसर हमको इस तरीके से देना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है उसमें पूछा है वॉट इज स्वयं, ये स्वयं जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, और उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दूसरा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि लगभग पूरा सेंटेंस सेम है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, यंग एंड यूथ। तीसरा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। और चौथा है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ ऑफ एस्पिरेशन माइंड, अब लास्ट में ही चेंज आ गया। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है। स्वयं का जिक्र काफ़ी वक्त से न्यूज़पेपर्स वगैरह में हो रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो व्यक्ति अगर न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। बाकी जो थोड़ा बहुत इन्होंने इधर उधर करके वेरिएशंस करने की कोशिश की है वो करेक्ट आंसर इसका नहीं है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, इट्स अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इधर यू नो द आंसर और एल्स यू डोंट नो द आंसर। इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम करंट इवेंट्स बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन न्यूज सिंस क्वाइट लॉन्ग, एंड द पर्सन हु हैज बीन फॉलोइंग द न्यूज पेपर्स रिलीजियसली वुड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन आंसरिंग द क्वेश्चन। हाउएवर, द पर्सन हु आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट स्वयं, आई विल एडवाइज यू दैट यू शुड स्किप द क्वेश्चन बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट right is only 1/4, while the probability of getting it right is probability of getting it wrong is 3/4 based on pure guess. तो जो next question अब हमसे पूछा गया है उसमें है which of the following is not enumerated in the constitution as a fundamental duty of the citizen. इसमें से जो 4 options आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो option है वो fundamental duty of citizens क्या जो हमारा लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दूसरा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू डेवलप साइंटिफिक टेंपर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एंड चौथा है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। येट अगेन, अब जिस किसी ने भी NCERT कोई सी भी NCERT उसका जो पहला पन्ना होता है उसके पीछे की तरफ में या तो जो फंडामेंटल राइट्स लिखे रहते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी रहती हैं, अगर उस पर भी एक नज़र मारी है, चलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि पॉलिटी को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मगर जो NCERT की किताबें आप पहला पन्ना खोलते हैं उसके पीछे जो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज दी रहती हैं, अगर उस पर भी आपने एक नज़र मारी है तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट दी हुई है, और एक बार या दो बार भी आपने देखा है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इंडियन पॉलिटी को पढ़ा है ढंग से, चाहे NCERT से या कहीं से भी, उनको भी अगर ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह पता ही होंगी, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं और उसमें से टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जैसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में नहीं आता है। येट अगेन, फिर वही बात आ गई, जिसने NCERT पढ़ी है क्वेश्चन पेपर उसके लिए कुछ खास मुश्किल नहीं है, जो NCERTs में थॉरो नहीं है ही विल बी फाइंडिंग दिस क्वेश्चन पेपर नॉट क्वाइट ईजी टू डू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है
उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को शॉर्ट में लिखा है डीपीटी डॉट करके, इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इन चारों में से कौन सा डिपार्टमेंट नहीं आता है। पहला डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स, चौथा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अब ये क्वेश्चन करने के पहले इस तरीके से इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के अंदर तो बहुत सी मिनिस्ट्रीज आती हैं और हर एक मिनिस्ट्री के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो एग्जामिनर ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम सारी मिनिस्ट्रीज और उनके अंदर आने वाले सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में रट कर जाएंगे। तो उसका जवाब यह है, जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो भी जानता है कि करने वाले को नहीं पता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी मिनिस्ट्रीज आती हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज नहीं आती हैं, और ये कहीं पे पढ़ाया भी नहीं जाता है। यहां पर यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं, ऑप्शंस को देखकर अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल गैस अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि करने जिसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है वो भी इस बात को जानता है कि कोई ये पढ़कर नहीं आएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लीगल अफेयर्स, अब ये तो सबको ही पता है कि आपका एक लॉ मिनिस्ट्री भी होती है जो सारे लीगल मैटर्स वगैरह को डील करती है, तो अगर लीगल मैटर्स से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट होगा तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेगा, ना कि होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर लीगल कोई भी मैटर आता है तो वो भारत सरकार की तरफ से कौन सी मिनिस्ट्री में जाएगा? वो जाएगा लॉ मिनिस्ट्री में। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा, या फिर यूं कहना चाहिए कि लॉ से रिलेटेड या फिर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी भी बात को देखें तो जितने भी डिपार्टमेंट्स आएंगे वो सबके सब लॉ मिनिस्ट्री के अंडर आने चाहिए। तो हो ना हो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसका होम से कोई लेना देना नहीं है। लीगल इश्यूज तो स्टेट्स के पॉइंट के लेवल पर भी होते हैं, होम डिपार्टमेंट के लेवल पर भी होते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह के लेवल पर भी होते हैं, और उन सबको डील करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की होती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की होती है। सो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है ये सही हो सकता है, ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं है सही हो सकता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में नहीं आता। इतना हमें अपनी तरफ से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, एंड बेसिकली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है, उसमें है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, 112, 113। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अगर एक स्टेटमेंट है ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। एक आपका एस्टिमेट्स है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का भारत सरकार का, इसको हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। ये किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए कौन से आर्टिकल के प्रभाव के कारण, कौन सा आर्टिकल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोलता है कि भाई आपको हर साल अपने एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड एस्टिमेट्स वगैरह जो भी हैं, रिसिप्ट्स वगैरह जो भी हैं, उन सबको पार्लियामेंट के सामने रखना ही होगा हर फाइनेंशियल ईयर में। ये जो आर्टिकल है वो कौन सा है, चार में से एक हमको बताना है। तो बेसिकली जो एस्टिमेट्स एंड रिसिप्ट्स हैं, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और रिसिप्ट्स हैं एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये इस टर्म का जो कॉमन नाम है वो है बजट। बेसिकली ये बात कर रहा है बजट की। बजट का जो टेक्निकल नाम कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया गया वहां पे बजट वर्ड को यूज नहीं किया गया, वहां पे बोला गया है एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे हर साल आपको एक बार लाना पड़ेगा, यानी कि भारत सरकार को हर साल अपना बजट पेश करना पड़ेगा। अब जिस आर्टिकल में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की गई है वो है अपना आर्टिकल 112। यानी कि जिस व्यक्ति ने बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में पढ़ रखा है उसको ये आइडिया होगा। पहली बात तो एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, बजट के बारे में बात की जा रही है, और बजट हर साल आपको लाना पड़ता है भारत सरकार के ऊपर ये बाध्यता ये आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डाली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन वॉज फाउंडेड इन
साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है सार्क. इट वॉज फाउंडेड इन वन ऑफ द, इनमें से कौन से में आपका ये हुआ था, कोलंबो, इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका. अब हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी जगहों पे, कौन चारों में से कौन सी जगह पे या कौन से शहर में सार्क की स्थापना हुई थी, सार्क को फॉर्म किया गया था. इसका करेक्ट आंसर आपको तभी बनेगा जब आपने सार्क के बारे में पढ़ा होगा. फैक्चुअल क्वेश्चन है, सार्क के बारे में कुछ ना कुछ खबरें आए दिन आती रहती हैं, तो करंट इवेंट्स अगर आप फॉलो करते हैं और नहीं भी अगर करते हैं, सार्क के बारे में अगर आपने थोड़ा सा गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी हिस्ट्री में कि सार्क को ढाका में फाउंड किया गया था. अब कई लोगों को कंफ्यूजन है कि करेक्ट आंसर काठमांडू है कि ढाका है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई काठमांडू जो है वहां पे सार्क का हेडक्वार्टर है. सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, मगर सार्क की जो जो मतलब आपकी स्थापना वगैरह हुई थी वो ढाका में हुई थी. इट वॉज फाउंडेड ढाका. तो करेक्ट आंसर इस यहाँ पे हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो है ढाका. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक. इन चारों में से कौन सी कंट्री जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नहीं है, ये इसका जवाब हमको देना है. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना की गई है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो हैं आपके ब्रिक्स कंट्रीज ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है. जनरली ये न्यूज़ में रहता है, ब्रिक्स वगैरह जब भी मिलती हैं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबरों में आता रहता है, तो उसी में ये चीज़ कई बार जिक्र की जाती है कि ब्रिक्स ने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है. तो ब्रिक्स का मतलब हो गया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब ये पांचों अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो इन पांचों के अलावा जो भी नाम यहां पर है फिर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, और यहां पर करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कनाडा हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वायरमेंट या इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप न्यूज़पेपर्स वगैरह रेगुलर अगर फॉलो कर रहे हैं, उसमें न्यूज़ वगैरह जो आ रही हैं उनको आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या रीजनल इंपॉर्टेंस की, ब्रिक्स वगैरह से रिलेटेड अगर न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन हल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी. एनसीसी का इन चारों में से मोटो कौन सा है. येट अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड द आंसर इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन. जिस किसी ने भी एनसीसी करी है, एनसीसी के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या फिर अगर बेसिक आपने गूगल भी किया है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो मोटो है वो यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पढ़ना चाहिए. यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, इन हाउ मेनी फेसेस द जनरल इलेक्शन 2019 वर कंडक्टेड इन इंडिया. काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि भाई 2019 के जो जनरल इलेक्शंस वगैरह हुए हैं उसको कितने फेजेस में कंडक्ट कराया गया. अब किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी अगर जनरल इलेक्शन को फॉलो किया है, जो कि लगभग सब ने ही किया होगा, तो सबको आइडिया होगा कि 7 फेजेस में इलेक्शन करवा के ख़त्म किया गया था. ईजी क्वेश्चन था, बनना चाहिए, नथिंग टू एक्सप्लेन. एंड इफ यू आर हैविंग इवन स्मॉल और लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन विद द न्यूज़पेपर्स, इफ यू आर लाइक फॉलोइंग न्यूज़पेपर इवन इन बिट्स एंड पीसेस, तो आपको ये बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, ट्राइपल्स इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ बॉक्सिंग, जूडो, चेस, बैडमिंटन. ये जो ट्राइपल्स है ये इन चारों में से कौन से खेल का नया एक फॉर्मेट है, यानी कि इस खेल में एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया है और उसका नाम ट्राइपल्स है, वो खेल कौन सा है. तो ये चीज़ तो खैर अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही है, जून में इसके बारे में काफ़ी बातें हुई थी. ट्राइपल्स जो है बैडमिंटन की एक नया फॉर्मेट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है. सो करंट इवेंट का क्वेश्चन है, नथिंग टू डिस्कस अबाउट इट. फैक्चुअल क्वेश्चन है, इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग करंट इवेंट्स, आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा है फॉर बीइंग द न्यू फॉर्मेट इन बैडमिंटन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स अपॉइंटेड बाय RBI. RBI के द्वारा एक कमिटी अपॉइंट की गई थी जिसका नाम था डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स. इस कमिटी का चेयरमैन कौन था, और आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, HR खान, नंदन नीलकेनी, NR नारायण और संजय जैन. इन चारों में से हमको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है. तो ये जो कमिटी है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स वगैरह बढ़ाने में भीम, UPI, इन सबसे रिलेटेड न्यूज़ में इस कमेटी का बहुत ज़्यादा जिक्र आता रहा है एंड इनके चेयरमैन का भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र आता रहा. द करेक्ट आंसर इज नंदन नीलकेनी. नंदन नीलकेनी जो है इस पर्टिकुलर कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे. दिस कमेटी वॉज न्यूज़ फॉर क्वाइट अ टाइम एंड काफ़ी ज़्यादा इनका जिक्र करंट अफेयर्स वगैरह में, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में इनका काफ़ी ज़्यादा जिक्र आता है. तो दिस इज द राइट आंसर, नंदन नीलकेनी.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है व्हाई वाज जीएस लक्ष्मी इन न्यूज रिसेंटली। जीएस लक्ष्मी जो है वो कुछ वक्त से न्यूज में रिसेंटली क्यों थी। पहला ऑप्शन, शी वॉज फर्स्ट इंडियन टू प्ले क्रिकेट फॉर एन इंग्लिश काउंटी क्लब। दूसरा, शी बिकेम फर्स्ट फीमेल आईसीसी मैच रेफरी। तीसरा, शी वॉज अवॉर्डेड रैमन मैक्से अवार्ड फॉर ईयर 2019। एंड फोर्थ, शी वॉज रिसिपियंट ऑफ बुकर प्राइज इन ईयर 2019। तो अगर आप न्यूज वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो जीएस लक्ष्मी जो हैं ये पहली इंडियन है जिनको पहली फीमेल है जिनको आईसीसी ने मैच रेफरी के तौर पर अपॉइंट किया है। तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा। जीएस लक्ष्मी पहली फीमेल है, पहली इंडियन भी हैं, पहली फीमेल भी हैं जिनको आईसीसी ने मैच रेफरी के तौर पर अपॉइंट किया है। दिस इज द करेक्ट आंसर कि जीएस लक्ष्मी जो है आईसीसी के द्वारा अपॉइंट की गई है मैच रेफरी के तौर पर, पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है इसमें हमसे पूछा है इन इंडिया मे 21 इज ऑब्जर्व्ड एज। हिंदुस्तान में मे 21 जो है इसको इन चार में से कौन से दिन के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। पहला एनआरआई डे, दूसरा नेशनल यूथ डे, तीसरा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और चौथा है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो द आंसर जो है वो ये है कि 21 मई को राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनका असैसिनेशन हुआ था और उसके बाद से उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है इसको उनकी मेमोरी में नेशनल एंटी टेररिज्म डे के तौर पर मनाया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे एंड डी इज द राइट आंसर और द राइट ऑप्शन।